सुबह सुबह जा रहे हैं हम अभी जिम। यार लोगों ने पूरा पानी पानी कर दिया है। थाम दे, जाओ दे मले। तो आज हम चला रहे हैं गाइस वेस्पा। और मुझे अभी सुबह सुबह पता चला कि मुनावर फारूकी बिग बॉस जीत चुके हैं। तो मुनावर फारूकी को वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन बिग बॉस जीतने के लिए। हालांकि मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन मुनावर फारूकी को फॉलो करता हूँ। मैं उनके स्टैंड अप कॉमेडी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मोड व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे गाइस फैन कल्चर के बारे में। जो इंडिया का फैन कल्चर है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है गाइस। जैसे कि लास्ट टाइम एल्विश यादव जो बिग बॉस जीते थे, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ, बट हाँ मुझे पता है वो कौन है। ऑब्वियसली इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है तो हर किसी को पता ही होगा वो कौन है। तो उनके फैन ने तो गाइस टैटू बनाया था उनका। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा क्रेजी फैन कल्चर है अपने इंडिया में। ये अच्छा है, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि फैन कल्चर में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। आप जिस इन्फ्लुएंसर या किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, सिर्फ आप उनके लिए कुछ स्पेशल करते हो या फिर उनके लिए कुछ करते हो ताकि आपको खुशी मिले। वो लड़के ने जब टैटू बनाया, मुझे पता नहीं है, मैं बस थोड़ा सा पढ़ा था, खुद सर्च किया था उसके बारे में। तो उसके पेरेंट्स ने जब उसे सुनाया तब वो टैटू को कवर अप किया, शायद किसी और टैटू से कवर अप किया, आई डोंट नो कौन सा टैटू था। लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी इतनी क्रेजी थी कि किसी और की शक्ल अपने बॉडी पे वो परमानेंट टैटू बना रहा था गाइस। आप सब समझ सकते हो कितना क्रेजी फैन कल्चर है। ये तो एक तरीके की भक्ति हो चुकी है। मैं भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटीज को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं इतना भी उनको फॉलो नहीं करता हूँ कि मैं अपने आप को कि मैं कुछ गलत करूँ। जब शाहरुख खान की मूवी पठान बॉयकॉट हो रही थी, मैं देखने गया था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उनका भक्त हूँ। मुझे वो मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखनी थी। 4 साल बाद SRK ने कोई मूवी लाया था, तो ऑब्वियसली मेरी इच्छा थी कि मैं मूवी देखूँ। और मौका और दस्तूर ऐसे बना था कि हम चले गए थिएटर, मूवी देखे। और उसके बाद गाइज यहाँ तक कि अभी तो मुझे एक मूवी पसंद आई है, हनुमान। अरे क्या मूवी है गाइज, अगर नहीं देखे हो तो देखो। और हम गाइस फैन कल्चर में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि हम चीजों को एज इट इज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेते। आज के डेट में हम अपने सेलिब्रिटी को या किसी इन्फ्लुएंसर को भगवान मानने लगे हैं। तो गाइस ये चीज गलत है। कोई सेलिब्रिटी तो गाइस गुटखा खैनी बेच रहे हैं, बोलो जुबा केसरी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उन्हें फॉलो करके वो गुटखा खैनी खाने लगे। हमें मैच्योर बनना चाहिए, हमें चीजों को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज गाइस फैन कल्चर के वजह से पॉलिटिक्स में जा रहे और नेता बन रहे। गाइस आप सोचो, जो इंसान जिंदगी भर एक्टिंग किया है, लोगों को एंटरटेन किया है, वो क्या देश चला पाएगा? चलो चला भी पाएगा, उससे उसकी क्वालिटीज के हिसाब से उसे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए ना। लेकिन अंधभक्ति की तरह अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो किसी और फील्ड में, जो फील्ड में वो कच्चा है, तो ये गलत है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। मुझे फैन कल्चर आज के डेट में समझ नहीं आता है गाइस। अभी जब थारापल्ली विजय की जो लियो मूवी रिलीज हुई थी, तब लोगों ने एक्साइटमेंट के चक्कर में थिएटर के सीटें फाड़ दिए। मूवी में कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो इतने एक्साइटेड हो चुके थे और इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि साउथ में कोई थिएटर में पूरे सीटें वगैरह फाड़ दिए थे। ये न्यूज में भी आया था गाइस। और यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर की बात ही छोड़ दो गाइस, यहाँ का तो कुछ अलग ही सीन है। यहाँ पे तो बच्चे इतने क्रेजी हो चुके। एल्विश भाई का टैटू बना लिया था उसने, और भी ऐसे क्रेजी 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 चीजें हैं। और देखो गाइस, फैन कल्चर बहुत ज्यादा डार्क हो सकता है। क्या पता आप जिसे अपना आइडल मानते हो, रियलिटी में वो जैसा आप सोचते हो वैसा ना हो। तो यहाँ से जिम काफी नजदीक है, अभी ऐसे ही सुबह सुबह सोचा कि इस पे भी वीडियो बनाया जाए। लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं ना, चेस्ट पे फोन माउंट है, तो ये शॉर्टकट ले लूँ या सीधा जाता हूँ ताकि थोड़ा ब्लॉग लंबा बने। शॉर्टकट तो हमेशा ही लेते, चलो एक सीधा रोड से जाते हैं। आज फैन कल्चर के बारे में क्या बोलूं अभी। इंडिया में तो अभी सबसे ज्यादा BTS का फैन हो रहा है। मैं BTS वालों को हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि कोरिया में इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं है। हालांकि कोरिया घूमने जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं है। और क्रेजी क्रेजी फैंस है गाइस BTS के इंडिया में। वो गाने बनाते हैं, एंजॉय करो। मुझे भी माइकल जैक्सन आज भी बहुत पसंद है। मैं हर रोज माइकल जैक्सन के पुराने गाने सुनता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं अपनी जिंदगी छोड़ के उन्हीं के गुणगान गाऊं। इंडिया में तो गाइस आर्मी चलता है, और मेरे शहर में तो गाइस काफी जो BTS के फैन है ना, दूर से दिख पड़ते हैं क्योंकि हम ब्लैक मास्क पहन के घूमते हैं। पता नहीं क्या समझते। ओके गाइस, तो आ गए हम जिम। बाकी की कहानी जिम से निकल के करते हैं। तो
वर्कआउट हो गया खत्म, बैक लिए तगड़ा वाला और बाइसेप लिए तगड़ा वाला। गाइस फैन कल्चर के वजह से साइबर बुलिंग भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक किसी का फैन पेज है किसी और फैन पेज को गालियां देता है, हरास करता है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग होती है फैन पेजेस की वजह से। तो एक सिंगर है जंगकुक, उसका किसी के साथ रिलेशनशिप ऐसा इंटरनेट पे फैल गया था, तो लड़कियों ने कट कुकी करके कोई कुछ चलाया था जिसमें वो अपना सच में अपना हाथ काट के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही थी। इतना ज्यादा क्रेजी फैन बेस है ना गाइस, इतना ज्यादा टॉक्सिक और क्रेजी फैन बेस है इंडिया में। तो इसमें गलती किसकी है, क्या उस इन्फ्लुएंसर की गलती है, क्या उस सेलिब्रिटी की गलती है, क्या हमारी गलती है? देखो गाइस गलती किसी की भी नहीं है, जो अकेले होते हैं लोनली होते हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, इनकी सक्सेस को देख के खुद खुश होते हैं, इनको लगता है कि इनके जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है, तो ऐसे लोग ज्यादा खुश होते हैं उनको देख कर। गाइस आप लोगों को पता है कि सेलिब्रिटीज के मंदिर भी बने हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी मंदिर बने हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया गाइस? साउथ में तो गाइस सेलिब्रिटीज को एकदम भगवान मानते हैं गाइस। नॉर्मली गाइस ये जो फैन होते हैं ना इनका एक तरफा प्यार होता है, इनको जो सेलिब्रिटीज है वो जानते तक नहीं है। ये फैन कल्चर गाइस इंडिया आउट ऑफ इंडिया भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, बहुत ज्यादा क्रेजी फैंस होते हैं गाइस, यहाँ तक कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का लुक तक कॉपी करते हैं गाइस, इतने क्रेजी फैन बेस है। उनके पास तो पूरी टीम होती है, उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, टीम होती है वैसी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशियन होता है, डॉक्टर होता है, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्चा करते हैं। हमारे पास उतना पैसा कहाँ है, हम उनकी तरह दिखने के लिए कुछ भी करते हैं गाइस। मेरे को टॉम क्रूज बहुत पसंद है, वो जो स्टंट करते हैं प्लेन से कूदना वो खुद ही करते हैं, प्लेन से कूदना हो गया, मोटरसाइकिल लेके कहीं से भी जंप, पहाड़ों से जंप मार देना, मुझे टॉम क्रूज बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी अपनी बाइक लेके कहीं पहाड़ से कूद जाऊंगा पैराशूट लेके, नहीं, उनके पास पूरी टीम होती है। 007 राइडर की याद आई, वो बंदा गाड़ियां लेता है, व्यूज छापता है, वीडियो बनाता है, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर उसे छपरी बोलते हैं, ठीक है, छपरी राइडर बाइक लेके घूमता है, सिर्फ गाड़ियां दिखाता है, व्यूज लेता है। अरे भाई लोग देखते हैं करके वैसा करता है, मैंने उसके पुराने वीडियोस भी देखा है, अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा बहुत, जब मैं ये सब देखा तब मैं उसके पुराने वीडियोस भी देखा, उसने काफी ज्यादा इंटरटेनिंग थोड़ा सिनेमैटिक्स लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया ना, अब जो चीज में लोग रिस्पॉन्स करेंगे उसी पे तो वीडियो बनाएगा ना। नो हेट टू एनीबॉडी। आ गए हम घर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।